कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पुनः पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आइए इस प्रार्थना में हम भक्तिपूर्वक भाग लें ताकि प्रभु के द्वारा हमें आशीष भरपूर मिले। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे, रख ले उसी में आशा तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए, रख ले उसी में आशा त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर,
शैतान का हर कार्य नष्ट करने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे, हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर प्रभु का सानिध्य है, ये विश्वास करना। पूरी तरह से स्थिर होकर बैठिए, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु ने आवाज दी है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु की आवाज है, प्रभु का आह्वान है। हम प्रभु के आह्वान को सुनकर प्रभु के पास आए हैं। इस पवित्र रक्ताभिषेक के द्वारा सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रभु कृपाएं बरसते हैं और आज भी प्रभु बरसाएंगे, ऐसा विश्वास करना है। आप जिस समय प्रार्थना के लिए बैठे, विश्वास कीजिए कि पवित्र आत्मा आपके पास है, आपके करीब है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साह से भरिए, पवित्र वचनों को सुनने के लिए समझने के लिए मेरे हृदय और बुद्धि को तैयार कीजिए। हे पवित्र आत्मा, पवित्र वचनों के अंदर छिपे हुए मर्म को समझने के लिए, उसके सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के लिए खोलिए। इस समय स्वतंत्र हो जाइए। जीवन की एक एक पीड़ा को प्रभु को समर्पित कीजिए।
पीड़ाओं के बारे में जो चिंता उसको समर्पित कीजिए। मौन होकर कुछ देर बिताइए ताकि प्रभु हमें इन वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार करें। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं प्रभु के अनुग्रह के क्षणों के लिए जब प्रभु की कृपा हमारी ओर बहती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रभु की कृपाएं बरस रही हैं, बह रही हैं। ये प्रार्थना जरूर है और ये प्रार्थना हम मनुष्यों के द्वारा की गई प्रार्थना है, लेकिन इसलिए कि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त है, इस प्रार्थना के द्वारा बड़ी बड़ी चंगाइयां और बड़े बड़े चिन्ह होते हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे आप इसमें पूरे मन लगाकर भाग लेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, एक महान ईश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाला ईश्वर, अपने शब्द के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर, एक एक चीज को बनाने वाला ईश्वर बाइबल हमें सिखाती है। और हमारा ईश्वर अनुग्रही है, अनुग्रह के धनी है, अनुग्रह के धनी, करुणा सागर, दया सागर, पुकारने वालों को सुनने वाला, देर से क्रोध करने वाला, जल्दी द्रवित होने वाला, अथाह प्रेम रखने वाला, एक ऐसा महान ईश्वर है। और वह ईश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में उनके अनुग्रहों से हम भर जाएं, आशीषों से हम भर जाएं। प्रभु यीशु स्वयं यौहान के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 8 में कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा ऐसे प्रकट होगी कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ईश्वर चाहता है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें और ईश्वर चाहता है कि हम उनसे बहुत फल उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्राप्त करें। यह कैसे हो सकता है? यह तभी संभव है जब हम दुर्बल इंसान अपने आप को और अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करें, समर्पित करें। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं तो प्रभु अपने अपार वैभव में हमें सहभागी बनाते हैं। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूंगा। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17, पूरे इसराइल में अकाल पड़ा था, सारे जलाशय सूख रहे थे, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, जानवर मर रहे थे, मनुष्य मर रहे थे। ऐसे में ईश्वर ने अपने चुने हुए नबी एलिय्याह को आदेश दिया कि तुम किरीत के घाटी में जाकर गुफे में बैठे रहना, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करूंगा और किरीत का पानी पीकर जिंदा रहना। कुछ दिन के अंदर वह पानी भी समाप्त हो गया। तब ईश्वर ने उसे आदेश दिया कि तुम सीदोन के सरप्ता नामक जगह जाना और वहां पर मैं एक विधवा को आदेश दूंगा कि तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करे। और इस तरह एलिय्याह इसराइल के बाहर सीदोन चला जाता है और सरप्ता पहुंचने पर एलिय्याह ने देखा कि विधवा आ रही है। एलिय्याह ने कहा, मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। वो पानी लेने के लिए जा रही थी तब तक एलिय्याह ने कहा, ऐसा है मेरे लिए कुछ रोटियां भी ले आओ। वो विधवा नबी के पास आई और उसने कहा कि महाराज, हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक बर्तन में एक मुट्ठी आटा है और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैंने सोचा कुछ सूखी लकड़ियां बटोर लूंगी और मैं उसको पकाऊंगी, मैं और मेरा बेटा हम दोनों खाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। लेकिन एलिय्याह ने उससे क्या कहा? एलिय्याह ने कहा, बहुत सुंदर है, एलिय्याह ने कहा, मत डरो, जैसे तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इसराइल का प्रभु ईश्वर ये कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक न तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। एलिय्याह ने जैसे कहा था स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलिय्याह को खाना मिलता रहा। उस स्त्री ने अपने पास जो थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा तेल था, उससे
रोटी पका कर ले आया, अलैया को दे दिया। जब वो वापस गए तो उसने क्या देखा, बर्तन आटे से भरा हुआ है, कुप्पी तेल से भरी हुई है। यह है समर्पण का चमत्कार, यह है समर्पण का चमत्कार। उसके पास जो कुछ था उसने प्रभु के नाम पर एलिया को दे दिया। हमारे पास जो कुछ है जब हम प्रभु के नाम पर देते हैं, प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु के लोगों के लिए देते हैं, तो प्रभु हमारे लिए प्रबंध करते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 3 में आपने बार बार इस वचन को पढ़ा है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। इस प्रवचन के रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले एक जवान लड़का, 29 साल का लड़का मुझसे मिलने आया, विश्वासी है। कई दिनों के बाद मैं उसको देख रहा था, बाल लंबे, दाढ़ी लंबी। मैंने कहा तेरा चेहरा कैसे बन गया है? उसने कहा फ्रस्ट्रेशन है, यानी निराशा है। मैंने पूछा विश्वासी और निराशा, ये कैसे हो सकता है? एक विश्वासी कभी निराशा में नहीं रहता है, कभी निराशा आ जाती है लेकिन मिट जाती है। फ्रस्ट्रेशन एंड फेथ कांट गो टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं जाता। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है कि हम अपनी योजना बनाते हैं और चाहते हैं कि प्रभु मोहर लगा दें। हम अपने आप को समर्पित करने को तैयार नहीं है, अपनी इच्छाओं को समर्पित करने को तैयार नहीं है, ये कहने को तैयार नहीं कि प्रभु ये मेरी इच्छा है लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, प्रकट कर। वचन में लिखा हुआ अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो, तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। प्रभु को अर्पित करना है। उस नारी ने अपने पास जो कुछ था प्रभु के नाम पर उस नबी को दे दिया, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। यह समर्पण का चमत्कार है। हमें पुराने विधान के इब्राहिम के जीवन में समर्पण का एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है। हम सभी जानते हैं, हम थोड़े समय में मनन करेंगे। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया जब वो 75 साल के थे और एक नई जगह की ओर ईश्वर ले गया। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, जो निसंतान था, ईश्वर ने कहा कि आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू कणों की तरह मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। लेकिन इब्राहिम को कोई संतान नहीं मिली। 99 साल के बाद 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। जरा सोचिए, 100 साल के इंतजार के बाद एक संतान मिले, वो संतान उस इंसान के लिए कितना प्यारा होगा। और वो बेटा बढ़ रहा था, इसहाक, बड़ा सा बालक बन गया। प्रभु की आवाज आई, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया और क्या कहा, इब्राहिम इब्राहिम, आपने एकलौते पुत्र, एकमात्र पुत्र इसहाक को, जिसके तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां पर बलि चढ़ाओ। 100 साल की प्रतीक्षा के बाद एक संतान मिली। प्रभु कहते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि चढ़ाओ। क्या कोई मनुष्य कर सकता है? लेकिन इब्राहिम ने एक सकारात्मक जवाब दिया। इब्राहिम अपने बेटे को लेकर बिना किसी को यह बात बताए मोरिया चला जाता है, जो पहाड़ प्रभु ने दिखाया उस पर चला जाता है, बेटे को वेदी पर बांध कर डालता है, अब छुरा निकालता है उसका गर्दन काटने के लिए। तब तक आवाज आती है, वाक्य 16 में आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 16 में, बस इब्राहिम बेटे पर अपना हाथ न लगाना, तुमने वो किया, तुमने अपने एकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाता रहूंगा। इब्राहिम ने अपने एकमात्र पुत्र को, एकलौते पुत्र को, जिसको वह और सारा और सभी लोग इतना प्यार करते थे,
उसके जीवन के मकसद का एकमात्र कारण था, उसके बुढ़ापे की लाठी था, उसको देने से इनकार नहीं किया। समर्पण। नतीजा, प्रभु कहते हैं, मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाता रहूंगा। एक बहुत बड़ा रिस्क है। इब्राहिम ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, जोखिम उठाया, उसके लिए प्रभु ने आशीर्वाद दिया, प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दिया। हालांकि इसहाक की बलि तो नहीं चढ़ी, आशीर्वाद मिला। एक दंपति मुंबई से आए थे आश्रम में 2 साल पहले। जब वो भाई कंपनी में काम कर रहे थे, कई साल पहले की बात है, काम करते समय उनका मन बिल्कुल उस काम में नहीं लगता था, हालांकि बहुत अच्छी नौकरी थी। मन नहीं लगता था, उसके मन में एक विचार आया कि मैं कलीसिया की सेवा करूंगा। उसकी पत्नी ने एक दिन पूछा कि तुम कैसे काम करते हो, कंपनी जाने के लिए तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, क्या तुम छोड़ना चाहते हो? उसने सच कहा कि देखो, ऐसा है कि मुझे वो काम करने की इच्छा नहीं है, मैं तो उसको छोड़ना चाहता हूँ और कलीसिया की सेवा करना चाहता हूँ, विश्वास की वृद्धि के लिए काम करना चाहता हूँ। ये मुझे प्रेरणा मिल रही है, वो सशक्त प्रेरणा मिल रही है। और वो भाई जाकर अपने पल्ली पुरोहित को, अपने वहां के पुरोहित से कहा कि फादर, ऐसा है कि मैंने निर्णय लिया कि नौकरी छोड़ दूंगा। फादर ने कहा कि पागल हो गया है, बड़े मुश्किल से एक नौकरी मिलती है और तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिली, उसको छोड़ दोगे? तुम्हारे बच्चे मेरे पास आएंगे बर्तन लेकर भीख मांगने? भाई छोड़ चले गए। पल्ली पुरोहित ने उनकी बेटियों को बुलाया और कहा कि देख, तेरे पापा नौकरी छोड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं करने देना, क्योंकि तुम भीख मांगोगी, समझ लो। वो भाई नहीं छोड़ा, वो नौकरी छोड़ देता है, कलीसिया की सेवा करने लगता है। उस भाई ने कहा, जब से मैंने नौकरी छोड़ी, इतनी बड़ी जोखिम ली, मेरे परिवार पर आशीष बरसती रही, कोई कमी नहीं आया, मेरे परिवार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई, प्रभु ने कमी होने नहीं दिया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 23 में जरा सुनिए, बार बार आप बोलते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे समर्पणों के लिए प्रभु चाहेंगे, करना पड़ेगा, हमें डरना नहीं चाहिए। जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिसके प्रति हमें बहुत ज्यादा लगाव है, जो हमारे लिए बहुत प्यारी सी चीज है, प्यारा सा काम है, प्रभु कहते हैं छोड़ो तो छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग नौकरी छोड़िएगा, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बहुत प्यारा समझ कर रखते हैं। जब हम समर्पित करते हैं, प्रभु हमारे ऊपर प्रचुर मात्रा में आशीष बरसाते हैं। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 37:5, बार बार आपने सुना है, वहां भी क्या लिखा हुआ है, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। एक जबरदस्त वचन, एक एक वचन का ख्याल करना। वचन कहता है, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, सरेंडर टू द लॉर्ड। अपने को ज्यादा बुद्धिमान नहीं समझना, ज्यादा शक्तिशाली नहीं समझना, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो और उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। प्रभु यीशु ने बहुत बड़ी भीड़ को देखा और शिष्यों से कहा कि इनको हमें कुछ खिलाना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमारे पास क्या, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, इसके अलावा हमारे पास क्या है, और इतने लोगों के लिए? प्रभु ने क्या कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास जो 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, मेरे पास ले आओ। और शिष्यों ने ऐसा ही किया। प्रभु यीशु के पास आने के लाने के बाद वो 5 रोटियां और 5 मछलियां हजारों लोगों के लिए भोजन का माध्यम बन गया। प्रभु ने आशीष की प्रार्थना पढ़ी और सबको खिला दिया, तृप्त हो गए, 12 टोकरी रोटियां बच गई। मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास जो तुच्छ चीजें हैं, कुछ नहीं है, मैं जानता हूं, तंगी है, ले आओ। कुछ दिन पहले मैंने एक बहन से कहा, उस बहन को मैं जानता हूं, आश्रम आती रहती है बराबर,
लेकिन उसके घर में एक समस्या है, तंगी बनी रहती है। तंगी मतलब तंगी, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। हर समय पिछले कई साल से मैं देख रहा हूं। मैंने उस बहन से पूछा कि आप दशमांश देती हैं? वो पूरा बता नहीं पा रही थी। कि आप प्रभु को देती हैं, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के काम के लिए, किसी गरीब की मदद के लिए देते हैं? देना सीखिए। जब आप देना सीखेंगे तंगी भाग जाएगी। जब तक आप नहीं देंगे तब तक तंगी बनी रहेगी। जब तक हम समर्पित करने के लिए तैयार नहीं होंगे हमारे घर पे तंगी बनी रहेगी। जब तक आप अपनी तुच्छ भी जो भी होगा उसमें से भी प्रभु के लिए और लोगों के लिए देने को तैयार होंगे उस समय आपके जीवन में आशीष पर आशीष बरसेगी। प्रभु ने शिष्यों से कहा तुम्हारे पास जो है मेरे पास ले आओ। ले आए, समर्पित किए, हजारों लोगों के लिए वो भोजन के लिए माध्यम बन गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन में प्रभु को समर्पित करने लगेंगे, अपने जीवन को, अपनी बातों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को प्रार्थना में और विभिन्न रूपों में जब हम समर्पित करने लगेंगे तो हमारे जीवन में भी यही होगा जो उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से हुआ। प्रभु प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देंगे। आप जानिएगा, एक भक्त के लिए, एक विश्वासी के लिए सबसे कठिन चीज समर्पण है। फूल चढ़ाना, बत्ती चढ़ाना, दूध चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, पेड़ा चढ़ाना, थोड़ी सी बाइबल पढ़ना, रोजरी बोलना, ये सब बहुत आसान है। मिसा के लिए जाना ये भी आसान है, लेकिन समर्पित करना बहुत कठिन है। जिसको आप प्यार करते हैं मेरा है, उसको प्रभु को समर्पित करना बहुत कठिन होता है। जो हमारे लिए सबसे प्यारा है उसको समर्पित करना बहुत कठिन होता है। कभी कभी प्रभु कहेंगे कि तुम अपनी नींद मुझे दे दो, कठिन होता है। समर्पण सबसे कठिन है और समर्पण सबसे आवश्यक है। हमें ठीक इसके विपरीत प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में एक दंपति के समर्पण के बारे में पढ़ने को मिलता है। उस जमाने में जो विश्वासी थे, विश्वासी लोग अपनी संपत्ति को बेचकर उसका धन ले आकर प्रेरितों के हाथों में रखते थे और प्रेरित कलीसिया के लोगों की आवश्यकता के अनुसार उसको वितरित करते थे। एक प्रकार के सामाजिक जीवन होता था उस समय, समाजवादी सामाजिक जीवन। उस समय एक दंपति थे, उसका नाम था अनानियास और सफेरा। वे भी विश्वासी थे। उन्होंने अपनी संपत्ति को बेच दिया लेकिन आधा पैसा अपने पास रखा। आधा लेकर पेत्रुस के चरणों पर रख दिया अननियास ने। पेत्रुस ने देखा कि ये पूरा नहीं है, पवित्र आत्मा ने उसको बता दिया। पेत्रुस ने पूछा क्या ये तुम्हारी संपत्ति बेचने का पूरा धन है? उसने कहा हाँ। पेत्रुस ने पूछा वो संपत्ति तुम्हारी थी, बेचने की जरूरत थी, लेकिन तुम क्यों झूठ बोले? और वहीं पर अननियास गिरता है और मर जाता है। उसके बाद उसकी लाश ले जाई जाती है गाड़ने के लिए। उसके बाद उसकी पत्नी आ जाती है। उससे भी पेत्रुस ने यही सवाल किया, वो भी झूठ बोलती है, वो भी गिरकर मर जाती है। एक जबरदस्त प्रतीक है। वास्तव में यही हमारे जीवन में होता है। हम छिपाकर रखना चाहते हैं अपने लिए बचाकर रखना चाहते हैं। हम पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हैं। जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करेंगे। देखिए रोमियो के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस हमें समझाते हैं, भाइयों और बहनों मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें, प्रभु की उपासना करें, और एक जीवंत पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। हर विश्वासी को अपने को प्रभु के प्रति अर्पित करना है। जब आप अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करेंगे, जीवन से संबंधित एक एक चीज को प्रभु को अर्पित करेंगे, सिर्फ पाखंडी की तरह नहीं बनेंगे, प्रार्थना करने वाले, थोड़ा वचन पढ़ने वाले, थोड़ा वचन सुनाने वाले, लेकिन प्रभु के प्रति पूरी तरह से समर्पित और अपने जीवन को और अपने सारा कुछ प्रभु को समर्पित करने वाले बनेंगे तो प्रभु आपको आशीष देंगे। यहां तक कि हमारे जीवन में बहुत समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को, उन पीड़ाओं को भी प्रभु को समर्पित करना है। जब कोई भी यहां पे आता है तो मैं उनको बोलता हूं प्रभु को समर्पित करो, समर्पित तुम्हारी पीड़ा को समर्पित करो,
तुम्हारी समस्याओं को समर्पित करो, तुम्हारे रोगों को समर्पित करो, समर्पित करो, समर्पित करो। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। और वहां पर आगे बताया गया है कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा पीड़ाएं दर्द इसीलिए हैं क्योंकि वो हम प्रभु को समर्पित नहीं करते। अगर हम अपने जीवन की सारी बातों को प्रभु को समर्पित करेंगे तो हमारा दुख हल्का हो जाएगा। जब आप अपनी पीड़ाओं को, दर्द को और अपने रोग को प्रभु को समर्पित करेंगे तो वो प्रभु की हो जाएंगी और आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप हल्के हो जाएंगे। तो हमें समर्पित करना सीखना है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक कुम्हार है, कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, मिट्टी पूरी तरह से समर्पित है, इसलिए कुम्हार उस मिट्टी से कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाता है। हम जितना प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे अपने आप को और अपना सब कुछ को, तो प्रभु इसके द्वारा महान महान कार्य करेंगे। यहां पर शक नहीं करना है। कई लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये लेकिन कहां से आ गया विश्वासी के जीवन में? अननियास और सपैरा की तरह हम भी बन जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये लेकिन नहीं आना चाहिए। प्रभु को समर्पित करना हो, जब हम अपने आप को और अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ाओं को, अपना सब कुछ को प्रभु को समर्पित करेंगे, तब प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। हमारे जीवन में भी वही होगा जो एक मिट्टी के जीवन में होता है। वो कुम्हार कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनाता है। हमारी दुर्बलताओं को प्रभु को समर्पित करना, बिना छिपा के समर्पण, प्रभु की आशीष हमारी ओर बहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, इन वचनों के लिए। तो हमारे अंतरतम को झकझोर रहा है, हमें भक्ति और विश्वास का मर्म समझा रहा है। तूने ईश्वर के प्रति, अपने पिता के प्रति प्रेम को प्रकट किया, हमारे प्रति प्रेम को प्रकट किया अपने उस महान बलिदान के द्वारा, उस समर्पण के द्वारा। तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, तूने अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा, एक एक बूंद रक्त हमारे लिए अर्पित किया, इसलिए पिता ईश्वर ने तुझे पुनर्जीवित किया और महान नाम प्रदान किया। प्रभु स्वामी, तुझसे सीखने की कृपा दीजिए, समर्पण का चमत्कार देखने की कृपा दीजिए। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना।
हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें, स्तुति करें। सर्वशक्तिमान का बेटा यीशु, हमारे लिए मनुष्य बनने वाला यीशु, इस समय अपने आप के एक रोटी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को। प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु की एक महान प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु जीवंत ईश्वर का बेटा है। प्रभु यीशु संसार के एकमात्र मुक्तिदाता है। आइए हम उस महान प्रभु, उस मुक्तिदाता की आराधना में कुछ समय बिताएं, अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें मंद कीजिए, प्रभु के सामने आइए। यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा बरस रही है, प्रभु की कृपा बह रही है आपके बंधनों को खोलने के लिए, हर प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा देने के लिए, हर तरह के रोग से छुटकारा देने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रभु इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। आज भी प्रभु कई लोगों को छुटकारा देंगे, विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई देंगे। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र करें, प्रभु की उपस्थिति में लाएं, अपने दिल में प्रभु के प्रति एक भय उत्पन्न करें। जीवित प्रभु मेरे करीब है, जिंदा प्रभु मेरे करीब है, मेरे मुक्तिदाता मेरे पास है, वो मेरे करीब आए हैं। राजाओं का राजा प्रभु मेरे करीब है, मुझ प्रजा से मिलने के लिए आए हैं। वो पवित्र प्रभु मुझ पापी से मिलने के लिए आए हैं। सब कुछ के स्रोत में से मुझ गरीब के पास आए हैं। विश्वास कीजिए, समय अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, आंखें मंद कीजिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं भाई बहन, प्रभु आपको प्रेम करते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को जानते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए अपनी आंखें मंद करना, हृदय खोल कर प्रभु के सामने पूरी ईमानदारी के साथ आना, अपने जीवन की एक एक दर्द पीड़ा को प्रभु के सामने लाना, ये कहना, प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मैं घायल हूँ, मैं कमजोर हूँ यीशु, मैं दुर्बल हूँ, मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा उत्कंठा है। यीशु, आइए यीशु के पास मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे लोग, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये खोखला शब्द नहीं है, ये एक महान परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा है, एक जीवित परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा है। और वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है। बार बार बाइबल में हम पढ़ेंगे, वह सत्य प्रतिज्ञा है, वह अपने वचन को बदलते नहीं है, वह सदा अपने वचन को पूरा करते हैं। वचन में लिखा हुआ है एजेकियल नबी अध्याय 12 में, प्रभु कहते हैं, जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा। प्रभु स्वयं कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। आप भरोसा रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। आइए अपने दर्द और पीड़ा के साथ, गॉड लव्स यू, प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, आपका ख्याल करते हैं, आपकी सुधि लेते हैं। संत पेत्रुस कहते हैं, वो आपकी सुधि लेता है। आप ख्याल करना, इस बात को भूलना नहीं कि वो आपकी सुधि लेते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को देखते हैं, जानते हैं। समर्पित कीजिए समय, अपने जीवन के एक एक बात को समर्पित करते जाइए। आज के वचन में हमने सुना कि हमें समर्पित होना है, समर्पित करना है, ये सबसे कठिन और सबसे आवश्यक बात है। अपने आप को समर्पित कीजिए, अपने जीवन की एक एक बात को समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरा मसीह है, प्रभु मेरा मुक्तिदाता है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, मृत्यु को हराने वाला, शैतान को हराने वाला,
हालेलुया 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 प्रभु यीशु तूने कहा है मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करते हुए मैं तेरे पास आया हूँ मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे थकान को मिटाएगा बेचैनी को दूर करेगा अशांति को दूर करेगा मुझे स्वतंत्र करेगा हालेलुया 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 मैं स्वेच्छा से अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ हालेलुया 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 आंखें मंद रखिए और इस समय अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु को समर्पित करते जाइए। सबसे पहले प्रभु के सारे दानों को याद करना, आपका घर, आपका परिवार, आपके परिवार के सदस्य, एक एक बात को याद करना, आपकी नौकरी, आपका घर, आपके पास जो कुछ है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना और अपने आप को प्रभु को समर्पित करना। एक तरफ से धन्यवाद देना, दूसरी तरफ से समर्पित करना। वचन में लिखा हुआ है आपके पास क्या है, वो जो आपको दिया नहीं गया है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु को समर्पित करते जाइए, प्रभु को समर्पित करते जाइए। अय्यूब की तरह जिसने सब कुछ गंवा दिया था, कहा कि ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर का नाम धन्य है। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। अपने घर परिवार को समर्पित कीजिए, अपने बाल बच्चों को, भाई बहनों को, माँ बाप को समर्पित कीजिए। यह आपका नहीं है, प्रभु के द्वारा दिया गया है, प्रभु के हाथों समर्पित कीजिए। आपकी नौकरी को, आपकी संपत्ति को, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को प्रभु को समर्पित कीजिए। आपकी बेरोजगारी को प्रभु को समर्पित कीजिए। बोलिए प्रभु तू ही संभाल सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तेरा दिया हुआ है, तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, यीशु तू संभाल। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। आपकी सारी योजनाओं को प्रभु को समर्पित करते जाइए। आगामी जीवन के लिए जो जो योजनाएं बनाए हैं, जो जो आपके सपने हैं, जो जो सोच है, प्रभु को समर्पित करते जाइए। प्रभु को ग्रहण करने दीजिए, प्रभु आपको प्यार करते हैं। समर्पित करते जाइए, वो भरोसेमंद है, उसने आपके लिए अपने आप को अर्पित किया है, अपने आप को समर्पित किया है, अपने आप को अर्पित किया, अपने आप को समर्पित किया है। उस प्रभु को सब कुछ समर्पित करते जाइए। अपने परिवार की तंगी को समर्पित कीजिए, अपने शारीरिक दुर्बलताओं को समर्पित कीजिए, शारीरिक पीड़ाओं को समर्पित कीजिए, शारीरिक रोगों को समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझसे नहीं हो सकता है, हो सकता है कोई वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस कोढ़ी की तरह मैं भी कहना चाहता हूँ, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। समर्पित करता हूँ यीशु, मेरे शरीर के एक एक दर्द पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, मेरे एक एक रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ यीशु, मेरी एक एक कमजोरी को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, मेरी बुरी आदतों को, नशे की आदत, वासना की आदतें, प्रभु उन सारी बातों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मेरी परिस्थिति को बदल सकता है, तूने स्वयं का प्रकाश ना दिया 21:5 में, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। तू सब कुछ नया बना सकता है यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ यीशु, समर्पित करता हूँ। मेरे प्रिय भाई और मेरी बहन, इस समय आंखें बंद रखना, एक एक चीज प्रभु को समर्पित कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। That is going to bring success and miracles in your life. आपके जीवन में सफलता और चमत्कार लाएंगे। समर्पण, 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 समर्पित करते जाइए। थोड़ी देर लीजिए, मौन होकर अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु को समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं, इस समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। हर शुक्रवार को इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में हम रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं और कोई नहीं है, और यीशु ही चंगाई देंगे, और यीशु इस समय आपके लिए उपस्थित है।
यीशु का सानिध्य आपके करीब है। विश्वास करना, विश्वास करना। प्रभु यीशु ने कहा निरोगों को निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। वचन में लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में कि प्रभु यीशु शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा कर दे। मत्ती अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में लिखा हुआ है लोग बहुत सारे रोगियों को अब्दूत ग्रस्तों को यीशु के पास लेके आते थे और यीशु ने शब्द मात्र से अब्दूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। यीशु ने शब्द मात्र से अब्दूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। वही प्रभु यीशु आज भी अपने भक्तों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा रोगियों को चंगा करते हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में रोगी आज यीशु के नाम पर चंगे हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा रोगियों पर हाथ रखो और उन्हें चंगा करो, रोगियों को हाथ चंगा करो। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं वे विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। और इस समय चंगाई का समय, अनुग्रह का समय है। अपने शरीर के हर दर्द पीड़ा को, हर रोग को इस समय यीशु के अधीन करना। यीशु के अधीन कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय हृदय खोल कर बोलना प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ। आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। ऊंची आवाज में अपने आवाज को बुलंद करते हुए आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की स्तुति करते जाना। लंबी देर तक स्तुति करते जाना, बिना थके स्तुति करते जाना। प्रभु यीशु को आपके जीवन में समय कार्य करने दीजिए। हालेलुया 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 हर प्रकार के बंधन खुल जाए, हर प्रकार के बंधन खुल जाए यीशु के नाम पर, हर प्रकार का बंधन खुल जाए यीशु के नाम पर, हर तरह का बंधन खुल जाए, बुरी आदतों का बंधन खुल जाए। छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। एक एक व्यक्ति को स्पर्श करना यीशु, जो भी समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं यीशु स्पर्श करना। चंगाई 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 माइटी हील, बड़े बड़े रोगों से पुराने रोगों से चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन क्षणों के लिए। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, जोर से गाइए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ जाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 अभिषेक के लिए प्रार्थना करते जाइए। हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करना आपके संपूर्ण शरीर को, रोग में शरीर को, पाप में शरीर को, आपके घर बार को पवित्र रक्त का अभिषेक मिले, सारे संसार को पवित्र रक्त का अभिषेक मिले। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
आई एम सन पापा फ्रांसिस की उस सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया यीशु का पवित्र रक्त मेरी सुरक्षा है, मेरे संरक्षण है। हालेलुया। हम बड़े भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। धारा उसमें भूले हमारे